ये गाड़ी जो है भाई आपको प्रीमियम पैकेज दिखाने वाले हैं इस गाड़ी में। कैसे अपनी गाड़ी में बेस से टॉप का मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। सुबह के हो रहे हैं भैया, लो जी 6:19 सुबह के हो रहे हैं, मतलब पूरी रात जो गाड़ी में काम चला आ जाना। अलॉयज आपको देखने को मिल जाएंगे 18 इंचेस के, इसमें महिंद्रा के जेन्युइन अलॉय व्हील्स, जिसमें आपको महिंद्रा का ओरिजिनल OEM कैप मिलता है। टायर मिल जाएगा आपको वॉन्डर MRF ऑल टेरेन टायर रहने वाला है। रूफ रेल के रेट में जो ओरिजिनल वाला है, हाँ जी, जो जेड ट्रेल में आते हैं वो 5500 के भैया। Z2 में रियर वाइपर, जो कि भाई एक हैरान करने वाली चीज है कि Z2 में रियर वाइपर कैसे मिल सकता है। तो भाई ये लगाया है भाई ने, ये नॉन वर्किंग रहने वाला है, तो इसमें कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है? ये तो 1000 का, 1000 रुपए में। और वैसे मोटर लगानी है तो 750 पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आइस ग्रे कलर का इंटीरियर देखने को मिल रहा है स्कॉर्पियो एन में, जो कि टॉप मॉडल अभी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। सॉफ्ट टच का वही है, 4 डोर, ये सेंटर का डैशबोर्ड, ये मैं 8500 में करके दूंगा। ठीक है, स्टीयरिंग का कवर ये चांद वाला चाहिए तो ये मैं करके दूंगा 1200 रुपए का। वैसे नॉर्मल चाहिए सिंगल कलर तो 1000 रुपए का। यहाँ सनग्लास होल्डर आ जाओ, ये मैं दे दूंगा भैया आपको 3500 रुपए की। आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो एन आई हुई है भाई, Z2 मॉडल है। और अभी जो है टाइम बैलेंस बताओ, टाइम कितना हो रहा है भाई? सुबह के हो रहे हैं भैया, लो जी 6:19 सुबह के हो रहे हैं, मतलब पूरी रात जो है गाड़ी में काम चला आ जाना। हाँ जी, मतलब ये गाड़ी जो है भाई आपको प्रीमियम पैकेज दिखाने वाले हैं इस गाड़ी में। कैसे अपनी गाड़ी में बेस से टॉप का मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। और ये वाली जो गाड़ी है ना भाई, स्पेशली क्यों कवर कर रहे हैं इतनी सुबह आकर, रीजन है इसके पीछे जो आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा भाई, वही रीजन है। इंटीरियर जो है गाड़ी का कुछ अलग बना, डिफरेंट बना है, काम कुछ अलग है। तो भाई दिखाने के लिए वेट करना पड़ा और काम भी टाइम लगाकर करा, लेकिन रिजल्ट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे आने वाली वीडियो में। मतलब चल रही है जो वीडियो उसको एंड तक देखना तो रिजल्ट आप देख पाओगे कि क्यों ये वीडियो स्पेशल रहने वाली है स्कॉर्पियो एन वालों के लिए। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। सबसे पहले तो भाई आपको दिखाता हूँ जगह जहाँ पर ये वीडियो शूट हो रही है, श्री ओम कार एक्सेसरीज करोल बाग में रहती है इनकी दुकान है भाई की। क्या नाम है भाई आपका? चंदन। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई ये जो गाड़ी रहने वाली है अपनी, कहाँ से आई है? सबसे पहले तो देखो UP नंबर रहने वाली है, टेम्परेरी नंबर, ब्रांड न्यू गाड़ी है। उससे पहले भाई गाड़ी में अंदर जाने से पहले बाहर का थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं कि बाहर से क्या क्या चेंजेस हुए हैं गाड़ी में, जल्दी जल्दी करेंगे बाहर का। सबसे पहले तो भाई LEDs लगी है, ठीक है जी, मेन फोकस रहेगा इंटीरियर पे। उससे पहले ये देख लो ग्रिल है, पियानो ब्लैक हो चुकी है ग्रिल अपनी, इसमें 7-पीस क्रोम भी लगा दिया है भाई ने, पुलिस वाली लाइट फ्लैशर लगा दिए हैं पुलिस वाले चार जो आते हैं आपके, ठीक है। और इसके नीचे आप देखोगे स्किड प्लेट है, जेन्युइन फॉग लाइट देखोगे तो भाई इसमें आपको वर्किंग प्रोजेक्टर मिल जाएगा, बेजल मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन स्विच कर ऑन करके इसमें वायरिंग करके लगाया है कपलर टू कपलर। बाकी स्किड प्लेट लगाई है, ये पूरे आप देख लो स्किड प्लेट की फिटमेंट कैसे निकल कर आती है। तो है ना ग्रिल आपकी ये पियानो ब्लैक हुई है, किसी को ये वाला पार्ट पियानो ब्लैक कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं, इससे प्रीमियमनेस डबल हो जाएगी। बाहर से ग्रिल तो आपकी पूरी जो है पियानो ब्लैक हो चुकी है। बाकी की बात करते हैं साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल गाड़ी की सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मेन चीज जो आती है ना, अलॉय व्हील्स आते हैं। अलॉयज आपको देखने को मिल जाएंगे 18 इंचेस के, इसमें महिंद्रा के जेन्युइन अलॉय व्हील्स, जिसमें आपको महिंद्रा का ओरिजिनल OEM कैप मिलता है। टायर मिल जाएगा आपको वॉन्डर MRF ऑल टेरेन टायर रहने वाला है। ऑल टेरेन की पहचान देख लो, उसके ट्रेड ऐसे कुछ निकल कर आते हैं। ये आपका मड टेरेन, हाईवे टेरेन, मतलब ऑल टेरेन का मतलब यही होता है कि इसको कहीं भी चलाओ आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी खासी आपको निकाल कर देता है ये। बाकी इसमें एक चीज़ जो रिकमेंड करता हूँ भाई, आप इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको पेंट करा लोगे तो इसमें आपका थोड़ा बहुत जो लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा इससे। बाकी ये डिपेंड करता है भाई कराना ना कराना, क्योंकि भाई इसमें आपकी मर्जी रहती है। तो अब बाकी की बात करते हैं, जेन्युइन बात कर रही है तो भाई साइड मिरर की बात कर लो, ये भी जेन्युइन रहने वाले हैं अपने, चेंज हुए हैं इसमें। यहाँ पर ये आपको इंडिकेटर वर्किंग मिल जाएगा, ऑटो फोल्ड का फीचर मिल जाएगा, करके दिखाएंगे भाई एक बार ऑटो फोल्ड। हाँ जी, इंडिकेटर आ गया, ऑटो फोल्ड करके दिखा दो भाई एक बार ऑटो फोल्ड। वेरी गुड भाई, ये देख लो ऑटो फोल्ड कहाँ से कर रहे हैं, एक बार स्विच दिखाते हैं इसका, स्विच देखने को मिल जाता है आपको इस पैनल में। लो जी, इसी के साथ में इंटीरियर की एक हल्की झलक देखने को मिल रही है आपको, पूरा कलर जो है गाड़ी का चेंज हो चुका है। ये आपको डोर पैनल में देख लो पियानो का टच मिल चुका है इसमें, और ये जो आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं ना मिरर्स के, ये आपके देख लो वर्किंग रहने वाले हैं कुछ ऐसे फीचर में। लो जी, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ में आप कंट्रोल्स मिलते हैं एडजस्टमेंट के, राइट पर सेट करके इसको मैंने लेफ्ट सीधा, मतलब ऊपर नीचे और राइट,
फोर वे एडजस्टेबल स्विच इसमें देखने को आपको मिल जाता है, ये भी प्यारा ब्लैक फिनिश में। बाकी गाड़ी का इंटीरियर पैक होने से पहले आपको बाहर का पूरा कवर कर लेते हैं, तो इसमें ऊपर भी रूफ रेल्स है ना भाई? नहीं, ये कंपनी से लग के आया है, किसी को लगाना है तो आपके पास मिल जाएगा? मिल जाएगा, हमारे रेट में होल वाला है। रूफ रेल के रेट में जो ओरिजिनल वाला है, हाँ जी, जो ग्रेडेड रेल में आते हैं वो 5500 के भैया। ओके, बाकी हमने इसमें लोअर गार्निश लगाया है, ठीक है, बाहर से आउटर हैंडल पेंट किया है, पेंट हो गया, साइड ग्लाइडिंग की है, ठीक है, ठीक है, साइड ग्लाइडिंग भी आ चुकी है इसमें, हाँ जी। बाकी रूफ रेल देख लो भाई, ये कंपनी वाली ऐसी कुछ रहने वाली है? कंपनी वाली भी ड्रिल होकर लगती है? नहीं नहीं, ये पेस्टिंग है, पेस्टिंग वाली, पेस्टिंग वाली हम लगाते नहीं, क्योंकि वो बाद में कंप्लेन आती है, ठीक है। मतलब ये देख लो भाई, भाई ने बता दिया है आपको सच्चाई जो है। अब बैक प्रोफाइल चलते हैं गाड़ी की, प्रोफाइल में भी कमी नहीं छोड़ी है भाई गाड़ी की। बैक प्रोफाइल में अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे भाई। ऊपर इसमें देखने को मिलेगा स्पॉइलर, जो कि यहाँ पर आप देख लो फिटमेंट कैसे होती है स्पॉइलर की, और पूरा जो है प्रॉपर फिटमेंट के साथ में अपना स्पॉइलर लगा चुका है भाई। ये यहाँ पर अपने को सबसे मेन चीज़ देखने को मिल रही है Z2 में रियर वाइपर, जो कि भाई एक हैरान करने वाली चीज़ है कि Z2 में रियर वाइपर कैसे मिल सकता है। तो भाई ये लगाया है भाई ने, ये नॉर्मल के रहने वाला है भाई, वर्किंग करेगा ये? हाँ वर्किंग करेगा, मोटर लगवा वर्किंग करेगा, लगवानी पड़ेगी। हाँ, इसमें नहीं लगाई हमने, इसमें नहीं लगाई। तो इसमें कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है? ये तो 1000 का, 1000 रुपये में। हाँ, और वैसे मोटर लगानी है तो 7.5 का वो पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब शीशा भी चेंज होगा, डिफोकर चलाना है तो, है ना? हाँ जी, शीशा पीछे वाला भी चेंज होगा। हमने पीछे कैमरा लगा दिया, ठीक, पीछे सीक्रोम लगा दिया, सीक्रोम लग गया और बम्पर गार्ड लग गया, रियर गार्ड, है ना? बस इतने कुछ काम है गाड़ी में बाहर से। अब मेन जिसका वेट कर रहे हो ना इंटीरियर का, वो इंटीरियर में लेके चलता हूँ आपको, कैसे इंटीरियर बनाया है, झकास लेवल का। इंटीरियर की बात करते हैं, सबसे पहले जाने के लिए ना भाई फुटरेस्ट जरूर लगेगा, फुटरेस्ट भी देखो पक्का है, बिल्कुल खड़ा हो चुका हूँ भाई फुटरेस्ट पे इस समय पे, और मजबूती जो है चेक हो रही होगी। बाकी इंटीरियर बात करेंगे, सबसे पहले एक एक से स्टार्ट करेंगे, तो नीचे फ्लोरिंग है, ऊपर मैट्स लगा दिए हैं, 70 मैट्स है रहने वाले हैं। ये देखो कितनी कवरिंग इसमें देखने को मिल जाती है आपको। एमएस लाइट जो है गाड़ी में लगा चुके हैं, 6 पीस की लाइट आने वाली है, 4 अपने दरवाजों पर आती है और 2 आएगी डैशबोर्ड पर, तो 6 पीस की लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी इंटीरियर का लुक जो है ना पूरा चेंज हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, ये पूरा जो है लुक आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। कलर चेंज जो है गाड़ी में कर दिया गया इंटीरियर का, यहाँ पर आपको आइस ग्रे कलर का इंटीरियर देखने को मिल रहा है स्कॉर्पियो एन में, जो कि टॉप मॉडल में भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। टॉप मॉडल का जो कंपनी नहीं दे पाई वो भाई ने आपको करोलबाग में दे दिया है, है ना भाई? इसका रेट वगैरह का बात बताओ भाई, इंटीरियर का मेन फोकस अपना इंटीरियर पे है, तो इंटीरियर रेट कितने स्टार्ट हो जाता है अपने पास? इंटीरियर में ये वाला भैया, ये वाला पीस मैं 4500 में करके दे दूंगा। गत्ते ठीक है, सॉफ्ट टच का वही। हाँ? है 4 डोर, ये सेंटर का। हाँ? डैशबोर्ड ये मैं 8500 में करके दूंगा, ठीक है, ठीक है भैया। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का कवर ये चांद वाला चाहिए तो ये मैं करके दूंगा 1200 रुपए का, वैसे नॉर्मल चाहिए सिंगल कलर तो 1000 रुपए का, ठीक है। MID दूंगा भैया 5200 रुपए की, ओके। उसके बाद यहाँ सनग्लास होल्डर आ जाओ, ये मैं दे दूंगा भैया आपको 3500 रुपए की, 3500 रुपए, ठीक है। और भैया साइड में ए पिलर है, इसका 1000 रुपए है, ठीक है। ये दोनों मिला के आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। बाकी ये हमने MID बटन लगाए हैं, बिल्कुल, ये स्विच बटन लगाए हैं, इसका भैया पड़ जाएगा पूरा कम्प्लीट पड़ जाएगा आपको 5500 रुपए, 4 पीस का सेट, ठीक है। उसके बाद बाकी ये पियानो हुआ है, ये भी हैंडल्स पियानो हुए हैं, ये भी पियानो हुआ है, ये मतलब पूरा एक मतलब लग्जरी लुक जो है इंटीरियर में प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है गाड़ी में। और ये कंसोल भी जो है आपका कंसोल तक ये पियानो हुआ है, ये पूरा देख लो यहाँ से आपको, ये पूरा जो है इसके कॉर्नर्स ब्रैकेट ये सब पूरा कंसोल इसका पियानो ब्लैक में कर दिया है। बाकी रियर कैमरा की एक बार वर्किंग चेक कराएंगे भाई, रियर कैमरा डाल रिवर्स गियर डालकर। तो यहाँ पर रिवर्स गियर डालते ही आप देखना रिवर्स कैमरा की वर्किंग आपको देखने को मिल जाती है, और कैमरा अपना रहने वाला है मूविंग गाइडलाइन के साथ में। तो ये कैमरा देख लो, गाड़ी जहाँ जहाँ मूव करेगी वहाँ वहाँ कैमरा मूव करता है, ये डिग्गी खुली थी तो उस चक्कर में। बाकी वाला न्यूट्रल कर दो भाई इसको, लो जी स्ट्रेट हो गया वापस से। तो भाई ये रहने वाला है रियर कैमरा की प्लेसमेंट, वर्किंग सब चीज़ आपने देख लिया है, और इसका मेन रहता है जो भाई आपको सिनेमैटिक इन्जॉय करवाते हैं। बाकी रेट वगैरह आपने सुन लिया, किसी को यहाँ पर आना तो भाई पहुँचे कैसे सेम काम कराने के लिए? यहाँ पे आने के लिए करोलबाग हल्दीराम डालो, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से मुझे कॉल कर लो, ठीक है। मतलब लैंडमार्क है हल्दीराम, हल्दीराम पे पहुँच के भाई को कॉल कर लेना, दिए गए स्क्रीन के नंबर पे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इस पे कॉल करोगे तो भाई को पिक करने वहाँ से आ जाएंगे, दुकान पर गाड़ी लगाएंगे और सीधा सीधा काम आपका कर दिया जाएगा। बाकी टाइमिंग का इशू जो है, ये टाइमिंग का किसी किसी गाड़ी में होता है, ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको भी डेली मतलब गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, वो आपका काम भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का काम आप लेके आते हैं। लेकिन ये मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि टाइम जरूर लेके आइए अगर आप पूरा बेस्ट टू टॉप काम करवाते हैं। बाकी क्वालिटी फिनिशिंग सीट कवर की ना एक बार यहाँ पर भी चेक कर लो, क्वालिटी फिनिशिंग रिंकल वगैरह जो है कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भले टाइम जरूर लिया काम करने में लेकिन प्रीमियम काम जो है करके दी है, एकदम लग्जरी लुक जो है गाड़ी की पूरी क्या करके दी है। महिंद्रा के लोगों के साथ में आपको सीट कवर मिल चुका है, और ये फोमिंग, फोमिंग कौन सी डाली है भाई इसमें?
फोमिंग इसमें भैया लेमिनेशन वाला कपड़ा ही है ये, ठीक है, इसमें फोमिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेमिनेशन वाला कपड़ा है, लेमिनेशन वाला ही कपड़ा, ठीक है। इसकी वारंटी कितनी है? जब तक गाड़ी है, लाइफ टाइम, हम तो वैसे ही देते हैं जब तक गाड़ी है, ठीक है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिल रहा है ना। मतलब ये देख लो, ये सीट कवर जो है ना, अपने आप से ही भाई मुंह से ही बोलता है कि भाई कैसा कपड़ा है ये, और देखने में भी आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, बाकी वीडियो भी जस्टिफाई कर रही है आज हमारी। बाकी मिलते हैं आपसे आने वाली नेक्स्ट स्कॉर्पियो एंड मॉडिफिकेशन में। श्री ओम कार एक्सेसरीज पे पहुंचने के लिए गूगल मैप लोकेशन मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, करोल बाग नई दिल्ली में सिचुएटेड है। मिलते हैं आपसे आने वाली नेक्स्ट स्कॉर्पियो एंड मॉडिफिकेशन, तब तक के लिए गुड बाय।